धैर्य, साहस, विश्वास सबका परिचय है आज। सभी को नमस्ते, मैं हूं आपका मित्र खितीश। आज एक बहुत लंबे सफर की तैयारी है दोस्तों, 470 किलोमीटर का सफर तय करना है, देखते हैं क्या होता है। 75 किलोमीटर का सफर हो चुका है, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मेरा जो प्लैटिना है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा अपने बॉडी को भी रेस्ट दे रहा हूँ, और आज पूरा प्लैटिना का, आज पूरा वफादारी का चेक होगा कि क्या करता है यह, क्योंकि अगला महीना मुझे पूरा निकलना है साउथ में, रामेश्वरम तक जाने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। और आप सब बताएं दोस्तों, कैसा चल रहा सब, मजे में है? तो मजे लेते रहिए दोस्तों। पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा सफर चुना हो, ये वो मजे हैं जीवन के जो तकलीफों से आते हैं। अगला 53 किलोमीटर हो चुका है, फिलहाल मैं हूँ आपका हाईवे रोड में। यहाँ से खड़गपुर लगभग 15 किलोमीटर दिख रहा है, तो इसी सीधे हाईवे रोड में ही जाना है। रश्मि मेटालिक्स स्टील प्लांट, RML खड़गपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो 2004 से यह पूर्ण रूप से कार्यरत है। काफी बड़ा सड़ा कंपनी है, काफी भीड़ भाड़ था, तो मैं यहाँ थोड़ा देर रुका। 189 किलोमीटर आ चुके हैं, देख सकते हैं कोला घाट लिखा हुआ है और घाटाल लिखा हुआ है, तो मुझे कोला घाट की ओर जाना है, फिर वहाँ से जो जाना है उलबेरिया। एक ट्रिपल लेन हाईवे है, अभी 10 बज रहा समय, निकलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। कोलाघाट पहुंच चुके हैं, ईस्ट मेदिनीपुर में है यह। रूपनारायण नदी के ऊपर 2009 में बना यह पुलिया 1800 मीटर लंबा है। कुछ देर जब पुलिये के ऊपर खड़ा रहा तो ऐसी अनुभूति हुई जब बसें या ट्रकें पार हो रही है कि पुलिया हिल रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा फूलों का बाजार यही कोलाघाट में ही लगता है। कोलाघाट ब्रिज को शरद सेतु भी कहा जाता है। हिलसा मछली बोले तो इलिश माछ जिसे कहते हैं, इलिश मछली यहाँ पर मिलती है। राइट साइड पर आपका रेलवे ब्रिज भी है। देर न करते हुए अब लक्ष्य की ओर बढ़ना था मुझे। ऊपर जो आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं, यह बाइक आर पार होने का ओवर ब्रिज है। बाइक को लेकर उस पार चलूंगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उन्हीं की याद में यहाँ जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय इतिहास का यह ब्लैक डे था। अलग एक्सपीरियंस है भाई, ओवर ब्रिज में चढ़ा हूँ बाइक लेके, देख सकते हैं इधर नीचे में हाईवे है, चलता हूँ। एक मिला है, की नाम बोल रहे विश्वनाथ दास बाबू मिले हैं, देख सकते हैं हम लोग दोनों नहा रहे हैं। ये यहीं कहीं है, इनका घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। एक मिनट की दूरी पर है इनका घर, तो हम लोग यही जो गंगा जी देख रहे हैं यहाँ नहाने वाले हैं। और इनका भी एक बिजनेस है, ये भी सब्जी विक्रेता है। तो ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। 2019 में मैं हर की पौड़ी में नहाया था, उसके बाद ये पहला मौका है कि मैं गंगा जी पे स्नान करूंगा। देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे स्टीमर टाइप के हैं, और वो जो मिले थे दास बाबू वो चल गए हैं, मैं बस नहा के अब उठा हूँ। कुंभ संक्रांति एवं सोमवार भी है आज। वीडियो के शुरुआती सब याद है क्या? वही धैर्य, साहस, विश्वास और आस्था का परिणाम था जो मैं आज इतनी दूर गंगा स्नान कर पाया। गंगा नहा लिया दोस्तों, गंगा नहा लिए, जय गंगा मैया। तो अब निकलने की तैयारी है, क्योंकि 240 किलोमीटर का सफर है फिर से, तो देखते हैं कोई ब्लॉगिंग अगर करने का मौका मिला रास्ते में कुछ अगर जगह पर तो करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही आज का सफर ऐसे ही रहेगा। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं लगते, यहाँ नहाने से शरीर रोग मुक्त होता है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी। गंगा स्नान का महत्व पुराणों में भी है। प्लैटिना तैयार है फिर से, आप मीटर देख सकते हैं, लगभग 239 किलोमीटर का सफर हो चुका है गंगा घाट तक, जो उलबेलिया में हम आके नहाए और शानदार परफॉर्मेंस दिया प्लैटिना ने आज भी। बस वफादारी का एक बेमिसाल सबूत वो दिखा रही है। जय मा काली, काली काली महाकाली, काली की पापहारिणी, धर्मार्थ मोक्षते देवी नारायणी नमोस्तुते। काफी सारी जगह है उलबेलिया में, अगर आप घूमना चाहें तो मंदिर से थोड़ी दूर शमशान घाट भी है। उलुबेरिया का फेरी घाट है, जहाँ एक बाइक का 50 रुपया लगता है। एक पर्सन 20 टका, एक जनर 20 टका, 10 टका, देख सकते हैं ऐसे ही है फेरी घाट। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा अच्छा, साउथ 24 परगना। हमें ऐसे चाहिए, टाटा थे, घाटशिला थे, सुने थे। कम समय में कम खर्चे पर आप इस पार से उस पार जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये एक फेरी अभी फिलहाल जा रही है, इसके बाद आधे घंटे में फिर दोबारा कोई फेरी आएगी,
फेरी घाट से निकलने के बाद उलुबेलिया मार्केट में थोड़ा देर रुका। काफ़ी भीड़भाड़ और काफ़ी बड़ा मार्केट था, पुलिस जगह जगह पर थी। पहले हिस्से का राइड हो चुका था, अब वापसी के लिए निकलना था। गंगा स्नान जो मेरा लक्ष्य था वो हो चुका था, पर सही सलामत घर भी वापस आना था और मैं धीरे धीरे उलुबेलिया को छोड़ रहा था। रास्ते में एक मंदिर मिला, मन प्रसन्न था, कोई दुविधा नहीं थी। इस तरह मैं हाईवे पर पहुंच गया। इसी हाईवे से ही मैं आपका नदी की साइड 4 या 5 किलोमीटर गया था। ये जो डब होता है ना नारियल, नारियल का पेड़ के छालों से ये सब बना हुआ है जो आपका सीलिंग वीलिंग में लगाया जाता है। एक दुकान पर खड़े होकर मैंने पूछा था क्योंकि उत्सुकता थी जानने की। ऐसे बीच बीच में ट्रैफिक थोड़े थोड़े मिल रहे थे। बाद बाकी रोड काफ़ी बढ़िया था, ट्रिपल लेन हाईवे था। एक अच्छी स्पीड के साथ मैं अपने बाइक को भगा रहा था। हाथों बाजुओं को बीच बीच में मूवमेंट करना जरूरी था क्योंकि सफर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। 10-12 किलोमीटर आ चुका हूँ, 240 किलोमीटर गया था आपका लगभग 5 घंटा का समय में। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा, सारी हदें आज पार कर देनी है दोस्तों। 480 से ज्यादा किलोमीटर आज बाइक चलाना है, सारी हदें पार कर देना है, रिकॉर्ड बना देना प्लाटिना के साथ की चल सकता है 14 साल पुराना गाड़ी। हर 50 या 60 किलोमीटर या फिर 1 घंटे के समय पर मैं निरंतर रुक रहा था, थोड़ा पानी पी रहा था, रास्ते पर कुछ नाश्ता भी किया और ऐसे अपना सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऐसे लंबे सफ़र पर समय बहुत जल्दी पार हो जाता है, इसलिए ज़्यादा किसी से बात नहीं करना और धीरे धीरे बस अपना सफ़र को ही आगे बढ़ाना है। खड़गपुर फिलहाल मैं पहुँच चुका। प्लाटिना बरकरार थी अपने सफ़र पर मेरे कंधों और हाथों में थोड़ी सी जलन या फिर बोल सकते हैं कि दर्द होने लगा, तो मैं काफ़ी देर एक जगह रुका बैठा। 350 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हो चुका था, अब ज़रूरत थी सावधान रहने की क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होती है जब आप लंबा राइड करते हैं तो नींद आ जाए। ऐसे 3 टोटल टोल गेट मिले पर बाइक का कोई टोल नहीं लगता। यहाँ जंगल पर आग लगी हुई पर मेरा मन बिल्कुल शांत था। राइड के वक्त शांति जरूरी है। बस थोड़ा सा बैठा हूँ, 400 किलोमीटर होने वाला है सफ़र का और 80 किलोमीटर होगा, थोड़ा थक गया हूँ। टाइम हो रहा है 4:15 है। इंजन को थोड़ा सा आराम देंगे क्योंकि इंजन से थोड़ा सा लीकेज आ रहा है मोबिल का। जरूरत थी आगे बढ़ने की, मंजिल अब भी दूर थी। कुंभ संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान आज सौभाग्य से मैंने कर लिया था। ज़्यादा घूमना फिरना या वीडियो करने की कोई मन ना था मुझे, जरूरी था जानना ऐसे चुनौतियों से मेरा शरीर कैसे लड़ता है। 11 घंटे से ज़्यादा का समय लगा सफ़र को पूरा करने को। घाटशिला कासीदा का रेलवे फाटक पार कर रहा हूँ, बस 15 किलोमीटर दूर था घर। थोड़ा सा विश्राम दिया बाइक के इंजन को और अपने शरीर को। किलोमीटर देख सकते हैं, मैं हो रहा है 6 बजा नहीं है समय, मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। ये सफ़र ज़रूरी था क्योंकि जानना था अपने आप को मैं कितना लंबा सफ़र कर सकता हूँ।